नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल बार लाइसेंस व्यवस्था में संशोधन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल के लिए केंद्र शासन, राज्य शासन एवं मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय करार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य शासन की ओर से मुख्य सचिव तथा मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को करार किए जाने के लिए अधिकृत किया गया। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ शुक्रवार 28 जून को केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 650 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र से अकादमी को 1.38 रूपये प्रति यूनिट की न्यूनतम दर पर बिजली मिलेगी। संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से की गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने राजधानी भोपाल के सूखी सेवनिया के पास ग्राम डूब बरखेड़ी में गौशाला और जैविक खाद के प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण के लिए नगरीय निकाय अपनी नजदीकी उन्नत गौशाला के साथ एमओयू करेंगे। गौशाला के पास ही गोबर गैस और जैविक खाद प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जनजाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति संवेदनशीलता विषयक 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्याओं का निराकरण अपनत्व और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में सामान्य वर्गों की तरह इन वर्गों का भी हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश के लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के ग्राम कुलाला के अमर शहीद संदीप यादव की स्मृति में बनने वाले शहीद स्मारक का शिलान्यास किया। मंत्री श्री वर्मा ने शहीद स्मारक का भूमि पूजन शहीद संदीप के पुत्र रोहित यादव को साथ में बैठा कर किया। जल संसाधन व मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री श्री हुकुम सिंह कराड़ा की अध्यक्षता में सुशासन भवन के सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। मंत्री श्री कराड़ा ने अधिकारियों को विभागीय कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए SVS बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के यूनिहोम्स प्रोजेक्ट का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। बिल्डर द्वारा कोई नई बुकिंग लेने पर भी प्रतिबंध तथा बैंक खाता फ्रीज किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।